सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंटीनेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम इन सीआरपीएफ मॉडल पेपर 5। इसमें 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम जो है 50 क्वेश्चन इस वीडियो में 50 इससे अगले दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि 100 वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। यह पेपर आपको एलडीसी सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट कमांडेंट के प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। लीड क्या है? तो लीड जो है फर्जी लाइन ऑफ साइट, फर्जी इमेज ऑफ टारगेट, फर्जी टारगेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीड जो है एक फर्जी इमेज ऑफ टारगेट, यानी जो हम लीड होती है उसको कहते हैं फर्जी इमेज ऑफ टारगेट। प्रश्न नंबर 2 है फायरिंग के हिसाब से टारगेट कितने प्रकार के हैं? तो फायरिंग के हिसाब से टारगेट चलता हुआ टारगेट, दौड़ता हुआ, बहुत तेज दौड़ता हुआ, तो इसमें जो है डी है, तीनों हैं, तीनों प्रकार के टारगेट होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है रिमाइंडर का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा में है? 5.7, 5.15, 5.19 उपरोक्त सभी गलत है, तो इसमें बी सही है। 5.15 में जो है रिमाइंडर, यानी कि जो कोई किसी भेजे गए मैसेज का जब जवाब नहीं आता तो रिमाइंडर दिया जाता है, वही इसका ये वर्णन 5.15 में है। प्रश्न नंबर 4 है उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में वर्णित है, नियम नंबर 4 में, नियम 5 में, नियम 6 में, नियम 7 में, तो नियम 7 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 5 है आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4, 5, 6, तो 3 प्रकार के आयताकार प्रोटेक्टर होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला कितना होता है? 20 कदम, 12 कदम, 18 कदम, 8 कदम, तो 12 कदम होता है। प्रश्न नंबर 7 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में किस नियम में वर्दी का स्केल का वर्णन है? नियम 92, नियम 93, नियम 95, नियम 96, तो 95 जो है उसमें वर्णन है वर्दी का स्केल। प्रश्न नंबर 8 है जीएफआर के नियम के अनुसार परचेजिंग पार्टी के सर्वे के बाद 2,50,000 तक खरीदारी कर सकती है, तो कौन सा रूल है जीएफआर 2007, 2005, 2019 या उपरोक्त में कोई नहीं? तो यह जो है जीएफआर जो नया रूल आया 2007, उसके बाद अभी नहीं आया है, उसके अनुसार परचेजिंग पार्टी के सर्वे के बाद 2.5 लाख तक की परचेजिंग की जा सकती है। प्रश्न नंबर 9 है आरएफ को अपना झंडा स्थापना के कितने वर्ष बाद मिला या कब मिला? 11 वर्ष बाद 2003 में, 12 वर्ष बाद 2004 में, 13 वर्ष बाद 2005 में, 14 वर्ष के बाद 2006 में, तो 11 वर्ष के बाद 2003 में दिया गया आरएफ को उनका खुद का अपना झंडा। प्रश्न 10 है स्वेच्छा से पेंशन जाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस लेना होता है? 1 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह, तो 3 माह पहले कम से कम स्वेच्छा से सेवन अप पर जाने पर नोटिस लेना पड़ता है। प्रश्न नंबर 11 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स किस नियम में स्पेशल वेतन का वर्णन है? नियम 41, 42, 43, 44, तो 44 नियम में वर्णित है। प्रश्न नंबर 12 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जम्मू कश्मीर स्पेशल महानिदेशालय कहाँ पे है? आर के पुरम में, पुष्प विहार दिल्ली में, कोटा जम्मू में, बन तालाब, तो यहाँ पर इसका जो है जो स्पेशल डीजी ऑफिस है बन तालाब जम्मू में है। प्रश्न 13 है एलएमजी इंसास एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड, 30 राउंड, 28 राउंड, 25 राउंड, तो 30 राउंड आते हैं। प्रश्न 14 है फायरिंग रेंज कितने प्रकार की होती हैं? तो फायरिंग रेंज 1, 2, 4, 5 प्रकार की होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है प्राथमिक बल के कर्तव्य का वर्णन किस नियम में वर्णित है? नियम 25, 26, 27, 28, तो नियम 25 में वर्णित है बल के प्राथमिक कर्तव्यों का वर्णन। प्रश्न नंबर 16 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किन सजाओं के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? 27 के 8 से 11, 27 के 1 से 7, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त सभी में, तो 1 से 7 के खिलाफ नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 17 है मुस की कौन कौन सी पार्टियां हैं? स्कॉट पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्कॉट अटैक, तो मैं आपको सीधा उत्तर बताता हूँ, स्कॉट पार्टी, कवरिंग स्टाफ और रिजर्व पार्टी होती है मुस में। प्रश्न नंबर 18 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डिफॉल्टर एम प्रिजनर, यानी कि जो कैदी होते हैं, फटीक रजिस्टर किस नंबर में होता है? फॉर्म संख्या 25 में, 26 में, 27 में या 72 में, तो 27 नंबर फॉर्म में उनका विवरण भरा जाता है जिनको सजा मिलती है और जो फटीक कराया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ट्रांसपोर्ट इंडेंट एवं ड्यूटी स्लिप किस फॉर्म में होता है? फॉर्म नंबर 55, 32, 66, 29, तो 29 में होता है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 20 सर, आइडियल पार्टी में कितनी पार्टी होती हैं? दो पार्टी, तीन पार्टी, एक पार्टी, चार, तो तीन पार्टी होती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, CCS का विस्तार रूप क्या है? सेंटर सिविल सर्विस, सेंटर सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस, सेंटर सिविल सर्विस या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सेंटर सिविल सर्विस सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न 22 है, बटालियन में निरीक्षक के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्राधिकार कौन है? कमांडेंट, रेंज पुलिस अधिकार, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर पुलिस महानिरीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कमांडेंट जो है बटालियन में। इंस्पेक्टर तक अगर किसी को NOC चाहिए तो वह दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सरदार पोस्ट स्मारक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उपरोक्त, तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 24 है, तेज चाल में पीछे मुड़ कितने हरकतों में पूरा होता है? पांच हरकत, चार हरकत, तीन हरकत, दो हरकत, तो पांच हरकत में पूरा होता है। प्रश्न नंबर 25 है, तेज चाल में दाहिने मुड़ कितने हरकत में पूरा होता है? पांच हरकत, चार हरकत, तीन हरकत, दो हरकत, तो तेज चाल में दाहिने मुड़ जो है चार हरकत में पूरा होता है। प्रश्न नंबर 26 है, ऑरेंज फ्यूज के जलने की रफ्तार कितनी है? 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 120 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 600 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 1 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड में के हिसाब से जलता है। प्रश्न नंबर 29 है, अधीनस्थ अधिकारी यानी सबोर्डिनेट ऑफिसर का वर्णन किस धारा में है? 2G, 2H, 2I, 2J, तो 2G में वर्णित किया गया है अधीनस्थ अधिकारी का। प्रश्न नंबर 30 है, 51 mm मोटर की लंबाई कितनी है? 530 mm, 550 mm, 540 या 730, तो 540 mm है। प्रश्न 31 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा में है? धारा 23, धारा 45, धारा 51, धारा 76, तो 76 नहीं, धारा 45 में दिया गया है, बल्कि ये जो है CRPC धारा है। प्रश्न नंबर 32 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में VDRA किस फॉर्म में होता है? जो व्हीकल डेली रनिंग अकाउंट होता है, फॉर्म 113, 114, 129, कोई नहीं, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है, इंसास राइफल की साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना है? 450 राउंड पर मिनट, 550 राउंड, 650 राउंड पर मिनट और 750 राउंड पर मिनट है, यहाँ पर मिनट नहीं लिखा गया है, तो यह 650 राउंड पर मिनट है इंसास राइफल की साइक्लिक रेट ऑफ फायर। प्रश्न नंबर 34 है, GPA का पूरा नाम क्या है? तो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट्स, इसका फुल फॉर्म है, ए ही इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 35 है, निलंबित करने का अधिकार किस नियम में है? नियम 27, 28, 29, 30, तो निलंबित करने का अधिकार जो है नियम 27 में, ये तो बहुत सिंपल है। प्रश्न नंबर 36 है, AK-47 की वेलोसिटी कितनी है? 710 मीटर पर सेकंड, 715 मीटर पर सेकंड, 718 मीटर, 725 मीटर, तो 715 मीटर पर सेकंड है। प्रश्न नंबर 37 है, बिना वारंट गिरफ्तारी के अंतर्गत किस कारण से गिरफ्तार किया जा सकता है? संज्ञा अपराध, गृह वेतन सम्मान, चोरी की संपत्ति रखना या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी के में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ट्रेडमैन टेक्नीशियन वर्कशॉप रजिस्टर किस नंबर फॉर्म होता है? फॉर्म 36, 39, फॉर्म 27, फॉर्म 51, तो इसका बी ऑप्शन है, फॉर्म नंबर 39 में होता है। प्रश्न नंबर 39 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सोवेट के कितने हॉस्पिटल हैं? 1 है, 4 है, 7 है, 3 है या कौन सा, या 1, 4, 7, 3, तो इसमें जो है चार हॉस्पिटल हैं, एक है बनतलाम में, एक है नई दिल्ली में, एक है गुवाहाटी में, एक है हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 40 है, मोर इंटीग्रल रिफ्लेक्टर साइट किस में पाई जाती है? X95 में, 5.5 इंचाज में, या AKM में, या कार्बाइन में, तो X95 में मोर इंटीग्रल रिफ्लेक्टिव साइट होती है। प्रश्न नंबर 41 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सर्विस प्रैक्टिस एक्सप्लोजिव एवं आर्म्स किस फॉर्म में रखा जाता है? फॉर्म नंबर 90, 91, फॉर्म नंबर 92, फॉर्म नंबर 93, तो इसमें जो है फॉर्म नंबर 91 जो होता है उसमें जो है सर्विस एक्सप्लोजिव और आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सर्विस और सभी इसमें रखा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, POA का पूर्ण विस्तार रूप क्या है, यानी कि इसके फुल फॉर्म क्या है? तो पॉइंट ऑफ एम, इसका सीधा सी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ एम इसका से होता है
PoA का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 43 X95 का वजन कितना है? 3 kg, 3 किलो 100 ग्राम या 3 किलो 200 ग्राम या 3 किलो 300 ग्राम। तो इसमें जो सही आंसर है वह 3 किलो जो है दिया गया है वह बिल्कुल राइट है, क्योंकि X95 का वजन 3 kg होता है। प्रश्न नंबर 44 है, इंसास LMG की भरी मैगजीन का वजन कितना है? 350 ग्राम, 340 ग्राम, 550 ग्राम या 500 ग्राम। तो इसका जो 500 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 45 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कितने SWS हैं? 2, 3, 7, 5, तो इसमें 3 है। प्रश्न नंबर 46 है, लीव किस नियम अनुसार मिलता है? CCS रूल 1972, CCS रूल 1973, 74, 75। तो यह आपको पता होगा, CCS रूल 1972 के अनुसार मिलता है। प्रश्न नंबर 47 है, रंगरूट ट्रेनिंग सेंटर में स्थायी खरीदारी को संगठित कौन करता है? तो इसमें कमांडेंट, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अपर महानिरीक्षक। तो जो है रंगरूट ट्रेनिंग सेंटर में जो है पुलिस उप महानिरीक्षक, लेकिन अभी उप महानिरीक्षक भी नहीं है, अभी तो महानिरीक्षक आ जाए हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उसमें सभी में IG का क्या मतलब रैंक हो गया है कि अब IG बैठेंगे, पहले DIG बैठते थे। तो इससे अगर देखा जाए तो अभी जो है अगर सही मानने में पूछा जाए पुलिस महानिरीक्षक राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है, सातवा वेतन आयोग के अनुसार MACP का क्या है? तो इसमें मॉडिफाई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, यह इसका फुल फॉर्म है और यह इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 है, गिरफ्तारी कैसे की जाए, किस धारा में वर्णित है? धारा 46, 47, 48, 49। तो 46 में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है? भाग 4 में, भाग 4 के ए में, भाग 4 के बी में, भाग 4 के सी में। तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटियां, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, फंडामेंटल ड्यूटियां अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है आपको अनुच्छेद 12 से लेके 34 तक दिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में वर्णित किया गया है वो 4(1) में किया गया है। टोटल जो है इसमें 11 ड्यूटियां हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। प्रश्न नंबर 51 है, स्थापना के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिक्कों की कितनी नफरी थी? 108, 250, 2 या 375 या 1012। तो वहाँ पर जो है उस समय 250 इनकी जनसंख्या थी जब CRP खड़ा हुई थी, क्योंकि 375 जो है हिंदू थे और 375 ही मुस्लिम थे, और 250 सिख थे और 8 जो है ऑफिसर थे, इसलिए टोटल नफरी जो है 1008 की थी। प्रश्न नंबर 52 है, फायर के हिसाब से टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो फायर के हिसाब से टारगेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फायर के हिसाब से ऐसे पूछा गया है, वैसे टारगेट कितने प्रकार के, वह क्वेश्चन अलग है। चलता हुआ टारगेट, दौड़ता हुआ टारगेट, बहुत तेज दौड़ता हुआ टारगेट, फायर के हिसाब से इस प्रकार 3 प्रकार के टारगेट होते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियम 19 में क्या वर्णित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता, मेडिकल अनफिट होने से सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता, सुपरनेशन से सेवानिवृत्त होने पर यात्रा भत्ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर यात्रा भत्ता का वर्णन इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 54 है, चोरी होने पर कौन सी जांच की जाती है? ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, समरी जांच, विभागीय जांच। तो जब भी डिपार्टमेंट के अंदर चोरी की होती है तो उस समय जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके पता लगाया जाता है कि किसने चोरी की या क्या इसका मामला था। कहना मतलब ये है, जब भी कोई चोरी की जाएगी, चाहे सामान डिपार्टमेंटली हो या किसी व्यक्तिगत का हो, तो उसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। प्रश्न नंबर 55 है, ब्याज मुक्त अग्रिम कौन कौन से हैं? त्यौहार अग्रिम, LTC अग्रिम, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों अग्रिम जो है सी ऑप्शन सही होगा, ब्याज कहने मतलब मुक्त है, यानी कि इन पे ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। एक होता ब्याज रहित, एक ब्याज मुक्त।
प्रश्न नंबर 56 है, आईपीसी की धारा के अंतर्गत मानव वध का वर्णन किया गया है। आईपीसी धारा 302, 309, 299, 229 तो 299 के में दिया गया है। प्रश्न नंबर 57 है, एक ही वर्ड कमान पर दाएं बाएं कितने कदम जा सकते हैं? 12 कदम, 6 कदम, 18 कदम, 24 कदम। तो इसमें 12 कदम दिया गया है, 12 कदम जा सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 58 है, एक सफाई कर्मचारी को सेवा से कौन बर्खास्त कर सकता है? तो जो है कमांडेंट इसके लिए अथराइज है, पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, सहायक कमांडेंट या द्वितीय कमांडेंट ही कर सकते हैं। ग्रुप सेंटर में है तो वहाँ पर DIG कर सकते हैं, लेकिन बटालियन में। प्रश्न नंबर 59 है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल में सीनियर रजिस्टर किस फॉरम में होता है? फॉरम 19, फॉरम 21, फॉरम 22, फॉरम 24। तो फॉरम 24 होता है। प्रश्न नंबर 60 है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल में डिस्चार्ज रजिस्टर किस फॉरम में होता है? 72 में, 73 में, 78 में, 75 में। तो यह 73 में होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इस 100 क्वेश्चन नहीं करते, इतने ही करते हैं क्योंकि 16 मिनट हो गई हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।